गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी मनीष। मैं मनीष और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यूज़, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको बात किसके बारे में। ठीक है, तो आपने जैसे टाइटल पढ़ चुका होगा, उसके अंदर मैं आपको यूट्यूब, नोकिया, एसुस और एमआई के बारे में बताने वाला हूँ आपको सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आपको सबसे पहले हमारे जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू कर लेता हूँ मैं। तो वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के बारे में। तो सब यूट्यूबर्स के बारे में जानते हैं कि मोनेटाइजेशन सबकी रुक चुकी थी, जिनके 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं थे, 1000 सब्सक्राइब नहीं थे, और यूट्यूब की मोनेटाइज 4000 आवर्स कंप्लीट होने के बाद भी रुक रखी थी, जो कि अब मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। जिसके ज़्यादा आवर्स थे उसके मोनेटाइजेशन जल्दी ओपन हो रहा है, आपका भी धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, तो ये मेरे को सुबह ही डिटेल मिलती है, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया टेक न्यूज़ के अंदर इसके। और मैं सेकंड बात करूँ तो एसुस का गेमिंग फ़ोन आ रहा है, इसका नाम रोग फोन है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर फ्रंट है और ये बैक है, जो आप देख सकते हैं इसकी, देख सकते हैं आप इसकी स्क्रीन पर ब्लैक और कवर के पीछे जो भी एक बना हुआ है अच्छा सा बैकग्राउंड है। और उसके अंदर आपको गेमिंग चार्जर भी मिलेगा शायद, ऐसा बताया जा रहा है। और सही लग रहा है गेमिंग फ़ोन के लिए, तो गेम का फ़ोन लॉन्च हो चुका है एसुस की तरफ से। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नोकिया एक अपना मोबाइल लॉन्च करने वाला है, शायद उसका नाम शायद फिनिक्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो थोड़े दिनों में लॉन्च कब होगा उसकी डिटेल्स बाद में आ जाएगी, उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो यही था नोकिया के बारे में। और मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एम आई ए टू जिसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, MI जिसके बारे में मैंने रेडमी 6 प्लस के बारे में वीडियो बनाया था, वैसे सेम टू सेम मोबाइल की स्क्रीन है। उसको पहले रेडमी 6 प्लस नाम दे रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि MI A2 नाम देंगे, तो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो थोड़े दिनों में सोल्व हो जाएगा किस नाम से मोबाइल आएगा। ठीक है, रेडमी अगर MI A2 के नाम से आता है तो 6 प्लस में दूसरा मोबाइल भी लॉन्च हो सकता है शायद। ठीक है, और मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ तो Lenovo Z5, Lenovo के अनेक इमेजेस आ चुकी है गूगल पर, आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। और इसको आप देख सकते हैं इसके कैमरा वैमरा ढंग से फ्रंट के ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा, बैक के अंदर तो कैमरा है, ये तो है। और आप शुरू के ऊपर होम पेज पर देखेंगे तो वहाँ पर कैमरा आपको ऊपर तो शायद ही कैमरा मिलेगा, ये तो मैं पहले वीडियो में बताया था, नीचे की तरफ एक बार कैमरा हो सकता है मेरी तरफ से। तो ओके, तो ये था हमारा आज का टेक न्यूज़। न्यू टेक न्यूज़ के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो इसके बाद अब मेरा आज एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो है व्यू कैसे इंक्रीज करें, तो उसके बारे में मैं वीडियो आज बनाने वाला हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। ओके, बाय बाय।